हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आउटलुक लाइक प्रियंका। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में मैं लास्ट सिक्स मंथ्स के एंटीज हेयर केयर प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं सबसे पहले जो आपके साथ शेयर करूँगी वो है दीज आर माई फेशियल सीरम्स, और उनका रिस्पॉन्स अच्छा लगा या ख़राब लगा मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। ओके, मैं सबसे पहला जो फेशियल सीरम है, दिस इज़ रिवाइटल लिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड सीरम फ्रॉम लॉरियल। ये इसकी छोटी बॉटल है एंड एब्सोल्युटली लव इट गाइस। ये बहुत ही अच्छा फेशियल सीरम है और मैंने इसको अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज़ किया है रेगुलरली एंड क्वाइट इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है एंड डेफिनेटली मैं इसको रिपर्चेज करूँगी। ओके, क्वाइट इफेक्टिव सीरम इट इज़। नेक्स्ट जो है गाइस, दिस इज़ क्लेयर्स विटामिन सी सीरम। आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है, और क्योंकि ये जो लास्ट का था इसको मैंने यूज़ नहीं किया था, ये ऑक्सीडाइज हो गया था एंड इसकी एक न्यू बॉटल मेरे पास रखी हुई है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये आता है पूरा ये 5% विटामिन सी है एंड ये जब आप नया बॉटल लेंगे तो ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है ये सीरम, बट जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो इसको ये कलर चेंज हो जाता है, तो ये इफेक्टिव नहीं रह जाता ऑन स्किन। तो इसीलिए इसकी जो कैप है इसको काफ़ी टाइटली क्लोज करके रखी है, और मैं अपने इस क्लेयर्स विटामिन सी सीरम को हमेशा फ्रिज में रखती हूँ। ओके, तो डेफिनेटली ये सीरम जो है ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है और मुझे बहुत पसंद है। मैं इसको मॉर्निंग टाइम स्किन केयर में अपने रेगुलर में यूज़ करती हूँ। ओके, तो गाइस नेक्स्ट सीरम जो है, दिस इज़ फ्रॉम द नायका स्किन RX 2% रेटिनॉल। ये सीरम मुझे एकदम फेस पे मेरे सूट नहीं किया। इसको मैंने अप्लाई जब करना स्टार्ट किया तो मुझे तुरंत एक्ने की प्रॉब्लम हो गई और बहुत सारे बड़े बड़े से एक्ने मेरे फेस पर हो गए, बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो गया सीरम का। मैंने इसको बंद किया यूज़ करना और कुछ टाइम बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया, लेकिन ये मुझे फेस पर बिल्कुल सूट नहीं किया। तो इस सीरम को मैंने अपने नाइट स्किन केयर में मतलब जब स्किन केयर के बाद मैं अपने हैंड्स पे इसको अप्लाई करके रेगुलर में मैंने इसको ख़त्म किया। क्योंकि आपको ये रेकमेंड करूंगी कि अगर आप पहली बार रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं तो हाई कंसंट्रेशन से स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट रेटिनॉल सीरम था तो शायद इस वजह से ये मुझे सूट नहीं किया। आई एम नॉट गोइंग टू परचेज दिस वन। दिस इज़ एस्टी लॉडर ANR। इसकी मैंने दो बॉटल फिनिश की है एंड करेंटली आई एम यूजिंग द नेक्स्ट वन, और ये 1250 का आता है। अभी रिसेंटली एस्टी लॉडर ने इसके प्राइसेस इंक्रीज कर दिए हैं और 1350 का ये हो गया है, बट ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं इसको वीक में दो ही बार यूज़ करती हूँ, जब मैं पिक्सी ग्लो टॉनिक यूज़ करती हूँ एंड उन्हीं दो दिनों में मैं इस सीरम को यूज़ करती हूँ। ओके, और अदरवाइज जब मुझे मेकअप करना होता है तो बिफोर मेकअप स्किन केयर में मैं इस सीरम को यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट है गाइस, दिस इज़ प्लम विटामिन सी सीरम। दिस इज 15% विटामिन सी। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो इसको स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि स्किन पर जब आप पहले दूसरी बार इसको अप्लाई करते हैं तो स्किन पे थोड़ा सा एक सेंसेशन फील होता है। ओके, बट रेगुलर में यूज़ करते करते उसके बाद फिर प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बट मैंने इसको जो है जब इनिशियली अप्लाई किया था तो मुझे सेंसेशन कुछ दिन तक रहा, बट जब अप्लाई करती थी तब बट कोई एलर्जिक रिएक्शन या रैशेज मेरे फेस पर नहीं हुए। बट हाइपर सेंसिटिव स्किन वाले आई डोंट रिकमेंड टू यू दिस सीरम। ओके, क्योंकि ये कंसेंट्रेशन में काफ़ी हाई है, बट इट्स क्वाइट इफेक्टिव और वर्थ द मनी है, क्योंकि ये विद इन बजट वाला है। जैसे क्लेयर्स का है, क्लेयर्स काफ़ी कॉस्टली सीरम है, बट ये विद इन बजट है तो बहुत ही अच्छा एंड इफेक्टिव सीरम है फ्रॉम प्लम। अगेन माई नेक्स्ट सीरम इज प्लम नियासिनामाइड सीरम। दिस इज 10% नियासिनामाइड। ये स्मॉल बॉटल है गाइस एंड करेंटली आई एम यूजिंग अनदर प्लम नियासिनामाइड। आप देख सकते हैं ये बिगर बॉटल है। ओके, ये स्मॉलर बॉटल है, ये आई थिंक 15 ml होता है, ये शायद 15 ml एंड दिस इज 30 ml बॉटल। ओके, तो मैं बड़ी बॉटल अभी यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं ये इतनी अप्रॉक्सीमेट ख़त्म हो चुकी है एंड ये एम्प्टी है। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा नियासिनामाइड सीरम है 10%। ओके, नेक्स्ट जो है गाइस, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मिनिमलिस्ट। दिस इज ऑल्सो 10% नियासिनामाइड प्लस जिंक। इट्स अ बून फॉर ऑयली स्किन गाइस इन समर। बहुत ही अच्छा सीरम है, स्किन को एकदम ड्राई रखता है एंड एक्ने होने से प्रिवेंट करता है। इन फेस वॉश कैटेगरी
आई हैव फिनिश्ड टू बॉटल्स. दिस इज फ्रॉम द फॉरेस्ट एसेंशियल डेलिकेट फेशियल क्लेंजर एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मिनिमलिस्ट सेलेसेरिक प्लस एलएचए 2%. ओके, ये दोनों ही बहुत ही डेलिकेट फेशियल क्लेंजर हैं एंड आई एब्सोल्युटली लव बोथ द प्रोडक्ट्स गाइज. बोथ द प्रोडक्ट्स, इसको आप थ्रू आउट द ईयर यूज कर सकते हैं, स्किन को कभी भी ड्राई आउट नहीं करता है. एंड मिनिमलिस्ट का जो है, इफ़ यू आर यूजिंग दिस और अगर आपको एक्ने वगैरह हो रहे हैं और आप सोचें कि इट क्रिएट मिरेकल ऑन योर स्किन, तो ऐसा नहीं है. ओके, हाँ, रेगुलरली आप इसको यूज करते हैं तो ये काफ़ी इफेक्टिव है, बट इट्स अ माइल्ड वन और बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए. तो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट फेशियल क्लिंजर फॉर ऑयली स्किन पीपल. नेक्स्ट जो है गाइस, दिस इज बायोडर्मा सेंस सीबीओ H2O. एम्प्टी है बॉटल पूरी, आप देख सकते हैं. एंड अनदर वन, ये भी पूरी एम्प्टी है. ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही बॉटल्स मैं पूरा खत्म कर चुकी हूँ और इसका बैकअप ऑलरेडी मेरे पास है H1. ओके, सो गाइस, इसको मैं सिंगल बॉटल ही परचेज करती हूँ नायका पर. जब आप ये बड़ी वाली बॉटल लेते हैं तो उसमें एक ऑप्शन है कि जिसमें टू बॉटल्स आपके सेम प्राइस में रहते हैं 500 ml के. ओके, तो ये बॉटल जो है ये बाय वन गेट वन फ्री होता है. तो मैं इसको, आप देख सकते हैं, आई थिंक यहाँ पे लिखा है सैम्पल नॉट फॉर सेल. ओके, तो इस तरीके की दो बॉटल्स मैं 1600 समथिंग में परचेज करती हूँ और डेफिनेटली वर्थ द मनी है. बहुत ही इफेक्टिव मेकअप रिमूवर है, डर्ट, ऑयल, ग्रीजीनेस सबको अच्छे से रिमूव करता है और ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है. और इन सनस्क्रीन गाइस, न्यूट्रोजिन अल्ट्रा शेयर सनब्लॉक इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट और मैंने इसकी कई सारी टब्स ऑलरेडी यूज़ की हुई हैं एंड ऑलरेडी मेरे पास इसका एक बैकअप भी है जिसको मैं करेंटली यूज़ कर रही हूँ. और एब्सोल्यूट फेवरेट सनस्क्रीन है, बहुत इफेक्टिव है. इट हैज़ SPF 50+, PA++ एंड थोड़ा वाइट कास्ट देता है, बट ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है गाइस. आप ये देख सकते हैं, अगर आप इसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं तो इजीली ये ब्लेंड हो जाता है. सो ऑल इन ऑल इट्स माय एब्सोल्यूट फेवरेट एंड आई लव दिस. लास्ट 6 months मैंने बहुत सारे लिप बम्स फिनिश किए हैं और एंड मोस्टली उसमें से लनेज के हैं. दिस वन ओके एंड दिस वन. ये जो मिनीज आप देख रहे हैं ये 5 or 6 लिप, ऐसे मिनीज लिप बम का एक 1200 का अप्रॉक्सीमेट पैक आता है एंड इसमें 3 gram क्वांटिटी होती है. बट बहुत ये तो बहुत ही ट्रेवल फ्रेंडली है, बहुत ही छोटी सी साइज है. आप देख सकते हैं नीचे से भी ये पूरा बहुत ज़्यादा नहीं होता, दिस मच ऑफ क्वान्टिटी होती है, इतना छोटा सा. ओके, बट एब्सोल्यूट फेवरेट है लिप्स के लिए, तो एकदम बून है और कितने भी फटे हुए लिप्स हों उसको बहुत ही जल्दी ये हील करते हैं. तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बट दे आर ऑन द कॉस्टलियर साइड एंड ऑन द चीपर साइड ये वादी हर्बल्स का जो लिप बाम है ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है. अगर दोनों की कंपैरिजन करें तो लनेज, ऑब्वियसली नो डाउट लनेज इज द बेस्ट वन, बट इन अ बजट रेंज वादी हर्बल्स इज ऑलवेज बेस्ट. लिप बाम में ही गाइज, इनिस्ट्री का ये टिंटेड लिप बाम है जो कि फिनिश हुआ है एंड आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट इसका कलर जो होता है, कलर बहुत खूबसूरत आता है लिप्स पे. अगर आप रेगुलर में लिपस्टिक अप्लाई नहीं करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लिप बाम है और ये स्टे करता है लिप्स पे. बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग नहीं है, बट ओवरऑल कलर एंड हाइड्रेशन दोनों लिया जाए इट्स अ गुड लिप बाम एंड डेफिनेटली आप इस, मतलब मैं इसको दोबारा से रिपर्चेज करूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कलर. रेगुलर में अगर हम घर में हैं तो लिपस्टिक अप्लाई करने की ज़रूरत तो होती नहीं है और इस तरीके के लिप बाम्स जो होते हैं ये बहुत अच्छा कलर देते हैं, तो इट्स अ गुड वन. इन द मॉइस्चराइजर कैटेगरी गाइज, जो मैंने फिनिश किया दिस बायोडर्मा एटोडर्म क्रेम, एब्सोल्यूटली लविंग इट. और ये बड़ा टब बहुत चलता है गाइस, बहुत ज़्यादा चलता है. पूरे ठंड भर इसको मैंने, मेरे बेटे ने, मेरे हस्बैंड ने, हम तीनों ने इसको यूज़ किया है एंड इट लास्टेड अप्रॉक्स 3 months.
बहुत ही अच्छी क्रीम है. यू डोंट नीड एनी अदर मॉइस्चराइजर ड्यूरिंग द हार्श विंटर्स. बहुत बहुत अच्छी है ड्यूरिंग द विंटर्स. समर्स के लिए मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं समर्स में ये चूँकि बहुत ज़्यादा डीप मॉइस्चराइजेशन है एंड माई स्किन इज ऑयली तो आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज दिस इन समर. बट डेफिनेटली विंटर्स में मैं इसको रीस्टॉक ज़रूर करूँगी क्योंकि ये अमेजिंग प्रोडक्ट है फॉर विंटर्स गाइज. नेक्स्ट जो है गाइज, दिस इज क्लेयर्स फ्रेशली जूस्ड विटामिन ई मास्क. इसका मैंने मिनी साइज परचेज किया था एंड इट्स ऑल्सो फिनिश्ड. अच्छा है बट ऑन द कॉस्टलियर साइड है तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट. मैं इसको अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में मैं यूज़ कर रही थी एंड मैंने इसको जब विटामिन सी के साथ यूज़ किया तो मुझे स्किन पर एलर्जी जैसी हो जा रही थी. तो मैंने इसको विटामिन सी को मॉर्निंग में मैं यूज़ करती हूँ और इसको मैं नाइट में मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया. बट इट्स अ क्वाइट गुड वन बट आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज दिस. जो प्रोडक्ट है गाइज, दिस इज लनेज रेडियंस सी क्रीम. ये मुझे पिक्सी ग्लो टॉनिक के साथ दिस साइज ये जो है ये मिली, ये मुझे फ्री मिला था. बट एब्सोल्युटली लविंग दिस प्रोडक्ट. ऑन अ कॉस्टलियर साइड है ये बट प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है एंड क्वाइट लाइट मॉइस्चराइजर है ये. तो ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बट बजट रेंज में भी देर आर लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर्स जो बहुत इफेक्टिव है. तो प्रोडक्ट वाइज इट्स क्वाइट गुड मॉइस्चराइजर. जो नेक्स्ट है गाइज, दिस इज from the brand the pink foundry. khatam ho chuka hai guys, aap dekh sakte hain. this is completely finished and use this. awesome hai guys, awesome hai. it's a awesome anti aging cream aap keh sakte hain. बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है स्किन पे, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई जेल अप्लाई कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. स्किन को एकदम से बेबी सॉफ्ट बना के रखता है, बहुत इफेक्टिव है. इसका जो बड़ा टब आता है 30 ml का वो 2250 का आता है. बट डेफिनेटली मैं उसको रीपर्चेज करूँगी क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा. द पिंक फाउंड्री यूथ प्रिजर्विंग नाइट क्रीम इट इज़ ओके. नेक्स्ट जो है दिस इज़ निविया सॉफ्ट. यू गाइज ऑलरेडी नो कि मुझे पसंद है, मेरा बेटा भी इसको यूज़ करता है, मेरे हस्बैंड भी इसको यूज़ करते हैं एंड इसका बैकअप ऑलरेडी मेरे पास है जो कि मेरा बेटा भी करेंटली यूज़ कर रहा है. तो ये बहुत ही अच्छा एंड बजटेड मॉइस्चराइजर है और डेफिनेटली ये तो रिपर्चेज होता ही रहता है. जो नेक्स्ट है गाइज, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कामा आयुर्वेदा. यह कामा आयुर्वेदा की रिजुविनेटिंग एंड ब्राइटनिंग आयुर्वेदिक नाइट क्रीम है एंड स्मेल बहुत अच्छी होती है एंड थोड़ा थिकर साइड में है ये प्रोडक्ट. तो इसको मैं रीपर्चेज नहीं करूँगी बट हाँ ओवरऑल जिनको थिक क्रीम्स पसंद है लाइक जैसे फेयर एंड लवली थिक होती है और इस टाइप की जितनी भी क्रीम होती हैं तो वो लोग इसको परचेज कर सकते हैं. बट चूँकि मुझे उस टेक्सचर की क्रीम्स पसंद नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज दिस. इस मेकअप कैटेगरी में मैंने 3 लिपस्टिक्स भी फिनिश की हैं. वन इज़ फ्रॉम द ब्रांड एस्टी लॉडर एंड दिस इज़ द शेड आई थिंक द पॉपी पिंक, वाइट पॉपी सॉरी. शेड देख सकते हैं ऑसम है. ये टूट गया था एंड ये एक्सपायर भी हो चुकी है. बहुत ही खूबसूरत पिंक है गाइस, किसी भी ड्रेस के साथ कभी भी पार्टी में कभी भी आप इसको यूज़ कीजिए. बहुत ही खूबसूरत सा शेड है और ये शेड मैंने दोबारा से परचेज़ किया था और डेफिनेटली मैं इसको फिर से रीपर्चेज़ करूँगी क्योंकि ये एक ऐसा शेड है कि आप इसको रेगुलर ओकेजन में यूज़ कीजिए, किसी पार्टी में यूज़ कीजिए, हर ड्रेस के साथ ये बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ही खूबसूरती से जाती है. और जब ये हटती है लिप से क्योंकि ये क्रीम लिपस्टिक है तो लिप्स पे पिंक टिंट छोड़ जाती है. तो दैट्स व्हाई आई एब्सोल्युटली लव दिस अमेजिंग प्रोडक्ट है गाइज, बहुत ही अच्छा है ये. जो नेक्स्ट है गाइज, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड रेवलॉन एंड रेवलॉन का है दिस इज़ पैराडाइज पिंक. ये भी एक्सपायर हो चुका है बट शेड जो है बहुत ही प्यारा सा है गाइज. इसका शेड रेडिश पिंक है कुछ. मैं इसको ऑनलाइन ढूंढ रही थी बट ये मुझे मिला नहीं. पार्टीज में भी आप इस शेड को यूज़ कर सकते हैं. तो ये दोनों ही लिपस्टिक मेरी ऑलमोस्ट ऑल टाइम फेवरेट्स हैं. और गाइस थर्ड जो लिपस्टिक है दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड स्मैश बॉक्स लिक्विड लिपस्टिक बाउसी इन द शेड. ये भी खत्म हो चुका है गाइस, देख सकते हैं एकदम खत्म हो चुका है. ये बहुत ही खूबसूरत सा रेड है. एक्चुअली ये फिनिश हो चुका है तो बहुत ड्राई हो गया है
बट बहुत ही खूबसूरत शेड है पाउसी, और मेरा तो फेवरेट ही है क्योंकि रेड है। गाइज इन सीरम आई हैव फिनिश्ड द दिस बॉटल ऑफ लॉरियल पेरिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल सीरम, बहुत अच्छा है और इसी वजह से ये इसका भी बैकअप मैंने रखा हुआ है एंड आई एम करंटली यूजिंग दिस। आप देख सकते हैं मैंने आज अपने बालों पे इस सीरम को ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है और बहुत ही अच्छा है। आप इसको दो तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्री वॉश आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने बालों में ऑयलिंग नहीं की है, पोस्ट वॉश एज सीरम आप यूज़ कर सकते हैं। इन हेयर ऑयल्स दिस इज द ऑयल विच आई हैव फिनिश्ड, इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड फिश केयर, 100% प्योर कलौंजी ब्लैक अनियन सीड ऑयल। ये ऑयल मेरे हेयर पे उस समय इसने वर्क किया जब आई वॉज सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेयर फॉल, और कोई भी ऑयल इवन आई वॉज यूजिंग कामा आयुर्वेदा भृंगादी हेयर ऑयल एट दैट टाइम, और वो भी मुझे उस टाइम पे सडनली सूट करना बंद कर दिया था। तो उस समय विश केयर का ही ये हेयर ऑयल उस समय मुझे मेरे बालों पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ एंड हेयर फॉल कंट्रोल किया, तो ये ऑयल मुझे बहुत अच्छा लगा। प्राइस की अगर हम बात करें गाइस, तो ये आप नायका पर अगर इसको परचेज करते हैं तो आपको प्राइस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, और अमेजोन से अगर आप परचेज करते हैं तो प्राइस आपको थोड़ा कम मिलेगा प्रिंट प्राइस से। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइस, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड प्लम, प्लम बॉडी लविंग बॉडी ऑयल वेनिला वाइब्स, वन बॉटल एंड टू बॉटल, आई हैव फिनिश्ड बोथ द बॉटल्स। स्मेल बहुत अमेजिंग है, बहुत इफेक्टिव है एंड स्किन को ड्राई होने से बहुत ज़्यादा बचाता है। मैं जस्ट नहाने के बाद टॉवल राइट बॉडी पे, जब बॉडी हल्की वेट होती है तुरंत ही मैं इसको अप्लाई करती हूँ, और पूरे दिन मतलब मेरी स्किन बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट रहती है। आप देख सकते हैं मैंने इसका दूसरा वेरिएंट परचेज किया था, दिस इज़ इन द वेरिएंट ड्राइविंग मी चेरी। ओके, ये ड्राइविंग मी चेरी है, इसकी स्मेल भी अच्छी है बट नॉट लाइक दिस, आई जस्ट लव दिस मोर। ओके, तो मैं इसको ख़त्म करने के बाद, क्वालिटी तो एक ही है दोनों की, बट अगर स्मेल की बात करें तो मुझे इसकी स्मेल जो है थोड़ी कम पसंद आई इन कंपैरिजन टू वेनिला वाइब्स। वेनिला वाइब्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये बॉटल ख़त्म करने के बाद मैं डेफिनेटली इसको ही रिपर्चेज करूँगी। सबसे अच्छी बात यह है कि क्वाइट बजटेड बॉडी ऑयल्स हैं एंड इस पर हमेशा प्लम के प्रोडक्ट्स पर हमेशा ही डिस्काउंट कुछ ना कुछ आता रहता है, चाहे आप नायका की साइट से परचेज करें, चाहे मिंत्रा की साइट से परचेज करें, और आप डायरेक्टली प्लम की ही साइट से परचेज करें। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइस, दिस इज़ नायका नेचुरल्स हैप्पी हील्स, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड बहुत इफेक्टिव है। सबसे अच्छी बात है कि बहुत इफेक्टिव है, और ये मेरी पूरी ट्यूब खत्म हो चुकी है एंड करेंटली आई एम यूजिंग द ग्रीन ट्यूब ऑफ दिस। इसमें दो ही वेरिएंट आते हैं गाइस, एक ये लेवेंडर एंड पेपरमेंट एंड दूसरा ग्रीन कलर की ट्यूब में आता है, नाम तो करेंटली मुझे याद नहीं है, तो वो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये पूरा फिनिश हो चुका है। दोनों ही क्वाइट इफेक्टिव है। अगर फटे हुए हील्स हैं तो आप इसको रात में अप्लाई कीजिए, उस पर आप एक थिन कॉटन सॉक्स पहन लीजिए, और अगर आप डेली में मॉर्निंग में बाहर जा रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर लीजिए अपने हील्स पे, देन सॉक्स पहनिए, एकदम से ये हील्स को स्मूथ बना देता है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इफेक्टिव है गाइस। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। टिल देन टेक केयर यू ऑल, बाय बाय।